हाय दोस्तों, जय भी ट्रैक्टर वर्कशॉप में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे वर्कशॉप पे आया है महिंद्रा 475 DI। तो दोस्तों, इसमें हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जावेद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों में शेयर करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका दोनों टीसी लीवर पीसी लीवर यहाँ पे दोनों डाउन है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर रोटावेटर अटका हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये रोटावेटर नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नीचे नहीं आ रहा है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी जान पाएंगे कौन सा वजह है नीचे क्यों नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये रोटावेटर हमारा नीचे नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सा वजह है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी जान पाएंगे दोस्तों इसमें कौन सा वजह था, ये रोटावेटर क्यों नहीं नीचे आ रहा था। तो दोस्तों, हमारा ये लॉक भी यहाँ पर सही है। तो दोस्तों, अभी हम इसको खोलेंगे, इसको हम खोल लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, यहाँ पे हमको 13 नंबर सभी बोल्ट को खोल लेना है, पाइप कनेक्शन की भी खोल लेना है। यहाँ पे लगता है पाइप कनेक्शन सबको, हमको इसको खोल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का लगता है बेंजू, यहाँ पे भी खोल लेना है इसको। तो दोस्तों, इस प्लेट को हम जल्दी से खोल लेते हैं। ये देखिए, हमारा अटका हुआ अभी नीचे नहीं आया। तो दोस्तों, इसका कंट्रोल वाल्व फंस चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, पेचकस की मदद से आप दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकिए कंट्रोल हमारा कंट्रोल वाल्व फंस चुका है। तो दोस्तों, इतना काम किसान भाई अपने घर पे कर सकता है देख के वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंट्रोल वाल्व फंस चुका है, इसी वीडियो को देखकर इतना काम भाई किसान भाई अपना कर सकता है काम। देखिए दोस्तों, हमारा एक कंट्रोल वाल्व फंस चुका है यहाँ पे, इसी को ओवर उठाए थे ट्रैक्टर ओनर, बोल रहे हैं कि ज़्यादा हमने उठा दिया इसीलिए अटक गया है। दोस्तों, कभी कदार अटक जाता है दोस्तों, इसका स्प्रिंग भी टूट जाता है तभी भी अटकने लगता है। तो देखते हैं इसको ट्रैक्टर स्टार्ट के, ये हमारा रोटावेटर गिर चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप, ये रोटावेटर हमारा गिर चुका है। ये कंट्रोल वाल्व फंसने का वजह यही था दोस्तों, कि ऊपर उठा दिया इसीलिए फंस गया, या तो स्प्रिंग टूटता है तभी अटकता है। तो दोस्तों, ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा जरूर, वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई तो लाइक ज़रूर कर देना। देखिए दोस्तों, हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर को हमने कर दिया स्टार्ट। देखिए, ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा। देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इसको हाइड्रोलिक को उठा कर देखते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे नीचे ऊपर होने लगा दोस्तों, वही कंट्रोल वाल्व फंसा हुआ था दोस्तों। देखिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दो। भाई, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।